गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी को। जैसा कि हम कुछ वीडियो एक दिन बनाए थे, उसमें कैमरा में टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से सही फोटो नहीं आ रहा था, इसीलिए क्लास को रोक दिया गया। उससे आपको फायदा नहीं होता, क्योंकि आपको आवाज भी सही नहीं आ रहा था, दूसरा दिख भी नहीं रहा था ठीक से बोर्ड पे लिखा हुआ बात, इसीलिए क्लास को रोकना पड़ा। हम कोशिश करते हैं लगातार आपका मदद करने के लिए कि बहुत अच्छा से आपको फोटो मिले और आवाज भी साफ सुनाई दे। उसके लिए यदि डिस्टर्ब भी होगा तो उसके लिए सॉरी। बाकी उस दिन हम कैलकुलस के बारे में बता भी दिए थे इंट्रोडक्शन क्लास। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट अलजेब्रा एक चैप्टर लॉकडाउन से पहले यानी कि होली से पहले पढ़ाए थे, उसमें बहुत बैच में खत्म भी कर दिए थे अलजेब्रा मैट्रिक डिटरमिनेंट को, कुछ बैच में चल ही रहा था तो सब आगे पीछे था। तो दोबारा जब हम लोग आमने सामने मिलेंगे जब लॉकडाउन का ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, तो वो चैप्टर फिर से छुटा हुआ जिसका भी है 10 दिन लगे वो हम फिर से पढ़ा देंगे। न्यू चैप्टर कैलकुलस को ही चालू किया जा रहा है जिससे सभी को फायदा मिले, सबके लिए न्यू चैप्टर हो जाएगा। उस दिन इंट्रोडक्शन बताई थी, एक बार वो रिकॉल कर देते हैं। कैलकुलस को हिंदी में कलन गणित कहते हैं, बहुत दरम चैप्टर है जिसमें आपके बोर्ड में 44 मार्क्स इंटरमीडिएट बोर्ड में पूछा जाएगा, और इसमें इंजीनियरिंग से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके बोर्ड में भी 44 मार्क्स का। तो आप इसको बहुत अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा से ध्यान दीजिएगा, और वीडियो को डेली अच्छा से देखना है, पार्ट वाइज हम बना देंगे। तो उस दिन बताए भी थे कैलकुलस के बारे में, तो आपको वीडियो अच्छा से नहीं दिखा होगा फिर बता देते हैं कैलकुलस किसे कहा जाता है।
ये ब्रांच ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस के बारे में, कैलकुलस से 44 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई पूछेगा कैलकुलस क्या है, तो हम डिफिनेशन भी लिख दिए हैं, डिफिनेशन सब पूछा नहीं जाता है नॉलेज के लिए। कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, कैलकुलस मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है इन विच वी मेनली डील्स, जिसमें हम लोग मेनली डील्स करते हैं, स्टडी करते हैं, मेनली डील्स विद द स्टडी, जिसमें स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज, स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी और एज द प्राइस इन द डोमेन चेंज और एनी फंक्शन चेंज। यानी कि कैलकुलस मैथ का कोई पूछेगा कैलकुलस है क्या, तो कैलकुलस मैथ का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग मुख्य रूप से जो स्टडी करते हैं वो रेट ऑफ चेंज, यानी कि किसी भी दुनिया के पार्टिकल बॉडी का, किसी भी पार्टिकल बॉडी के रेट को चेंज करते हैं, उसके दर में परिवर्तन करते हैं और किसी भी पॉइंट का डोमेन चेंज करते हैं और कोई फंक्शन चेंज करते हैं। जैसे हम कैलकुलस में ग्राफिकल भी पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट में और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट में कैलकुलस का ग्राफ भी पढ़ा जाता है, उसी में हम लोग पॉइंट का डोमेन चेंज करेंगे जो ग्राफिकल से आपके इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आता है। तो कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम हम लोग इंटरमीडिएट कोड में ना किसी भी फंक्शन को चेंज करते हैं, फंक्शन अब क्या होगा हम आपको बताएंगे ब्रांच वाइज में, जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। तो फंक्शन में अलजेब्रिक फंक्शन होता है, जो आप जान रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन कैसा होता है, तो y बराबर 3x² + 2x + 5, ये अलजेब्रिक फंक्शन हुआ। और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है साइन है 3x² + 2 है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसी में हम इनवर्स लगा देंगे, साइन इनवर्स साइन 2x + 1, ठीक है। उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन, y इक्वल टू लॉग रहेगा, बेस 3 रहेगा, साइन x रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन e^2x + 3, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बहुत तरह का फंक्शन हो सकता है। हमने मैंने आपको एग्जांपल 2-4-5 को समझाया, तो ये कैलकुलस है ना, मैथ का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग मेनली डील्स करते हैं स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज के भी रेट को चेंज करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो सकता है, तो जैसे मान लीजिए कैलकुलस है, कैलकुलस का यूज तो जानते हैं, कैलकुलस के वजह से आप फिजिक्स भी नहीं पढ़ सकते हैं, फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, वहां भी आपको 11th से कैलकुलस का यूज किया गया है, तो कैलकुलस आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, वैसा क्वांटिटी और दोज क्वांटिटी व्हिच हैव रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ फिजिक्स, वैसा सभी क्वांटिटी जो फिजिक्स के नियम को समझता है या समझने का कोशिश करता है, समझ लिया है, उसको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका वेलोसिटी, एग्जांपल फॉर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डेंसिटी है, इंटेंसिटी है, टॉर्क है, टेम्परेचर है, टाइम है, बहुत सारा है, बोलेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल बॉडी का वेलोसिटी चेंज करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, हम लोग को फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस, तो वहां भी हम लोग वेलोसिटी चेंज करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन चेंज करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम कहते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के भी रेट को चेंज करते हैं और एज अ पॉइंट इन द डोमेन चेंज, यानी कि ग्राफिकल को भी चेंज करेंगे और एनी फंक्शन चेंज, मैथ में हम लोग ज्यादा करके फंक्शन को चेंज करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलस में किसी भी क्वांटिटीज का या किसी भी फंक्शन का है ना क्या किया जाता है, उसके रेट को चेंज किया जाता है। बस कोई पूछेगा कैलकुलस क्या है, कहेंगे कैलकुलस मैथ का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का, किसी भी फंक्शन का रेट में चेंज करते हैं, उसी को कैलकुलस कहा जाता है, ठीक है। तो कैलकुलस यहाँ लिखे है, कैलकुलस का भी तो खोज हुआ है, कैलकुलस को भी तो कोई पर्सन नहीं बनाया, ऐसे थोड़े हम लोग के पृथ्वी पर आ गया है। तो कैलकुलस में वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन, आज हम लोग के हजारों मैथमेटिशियन है जो आज भी पूरी दुनिया में साइंस के सेक्टर में आज भी डिस्कवरिंग जारी है, यानी डिस्कवर आज भी करते हैं, जो मिलता है हम लोग के पास वो लॉ मिल जाता है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा गया है कैलकुलस डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन और गॉटफ्राइड विलहेल्म लीबनिट्ज़। कैलकुलस को डिस्कवर किया गया है आइजैक न्यूटन के द्वारा 17 सेंचुरी में, यानी कि ये लोग 60 से 70 सेंचुरी के बीच में ना ये लोग दोनों जीवित थे, ठीक है। तो कैलकुलस को ये दोनों सबसे पहले न्यूटन ने यानी कि डिस्कस किए, फिर गॉटफ्राइड विलहेल्म लीबनिट्ज़, तो इसीलिए इन दोनों का नाम ऊपर में दे दिया जाता है और 17 सेंचुरी में। उसके बाद हम फादर ऑफ कैलकुलस जो कहेंगे जी डब्ल्यू लीबनिट्ज़ को कहेंगे,
है ना, जीडब्ल्यू का ये फुल पर होगा, गॉट फ्राइड वेल हेलमन लेबनीज, फादर ऑफ कैलकुलस इसका ज्यादा ही होता है कैलकुलस में, इसीलिए इसको फादर ऑफ कैलकुलस का दर्जा मिला है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि यही दो पर्सन के ही द्वारा प्रत कैलकुलस डिस्कवर हो गया, इन्वेंटेड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ लिख ही सकते थे, आपको कोई पूछेगा ये दो पर्सन नहीं है, हजारों पर्सन कैलकुलस में योगदान दिया है, है ना, हम कह सकते हैं। और मैनी मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट इन्वेंटेड द लॉ ऑफ कैलकुलस, और सारे वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन जो है कैलकुलस के लॉ में अपना योगदान दिए। आज कैलकुलस बहुत ज्यादा विस्तार हो गया, और 1900 ईस्वी से पहले वैज्ञानिक लोग और मैथमेटिशियन लोग ही कैलकुलस को पढ़ते थे, लेकिन 19 सेंचुरी में सबसे पहले जॉन पेरी के द्वारा कॉलेज में कैलकुलस लाया गया, और एक साल के अंदर ये पूरे वर्ल्ड वाइड में कैलकुलस फैल गया, और आज तो आप जान रहे हैं पूरी दुनिया कैलकुलस पढ़ रहा है। और कैलकुलस, अब कैलकुलस का कोई पूछेगा यूज क्या होगा, कैलकुलस पढ़ते क्यों है, जैसे हम लोग को कई ग्राफिकल कर्विकल एरिया है, जैसे मान लीजिए ये पैराबोला है, अब कहेगा इसका एरिया क्या होगा, इस भाग का एरिया क्या होगा, ग्राफिकल से हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं कैलकुलस के माध्यम से, यानी कि कर्विकल सेक्टर का एरिया निकलता है। और साइंस में जितना भी आज डिस्कवर होता है, चाहे वो हम स्पेस में जाने का कैलकुलेशन करते हैं, या पृथ्वी से दूसरे दुनिया में जाने का कैलकुलेशन करते हैं, मून पे जाते हैं, है ना, स्टार पे जाने का कोशिश करेंगे, तो वहां भी मैथमेटिक्स में कैलकुलस का योगदान होगा। जब तक नहीं कैलकुलस आएगा तब तक हम उसके बारे में सही से विस्तार नॉलेज नहीं ले पाएंगे। तो कैलकुलस साइंस का बहुत बड़ा, इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा, पूरे साइंस के दुनिया का कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कैलकुलस, इसलिए आज कैलकुलस का ज्यादा मांग हो गया है, बिना कैलकुलस का साइंस पॉसिबल नहीं है, हम किसी सेक्टर के बारे में सोच नहीं सकते हैं, इसीलिए कैलकुलस का ही पूरे सेक्टर में होता है, चाहे किसी भी सेक्टर, कॉमर्शियल सेक्टर में चले जाइए, इंजीनियरिंग में तो है आपका, साइंस का ब्रांच ही है। तो फादर ऑफ कैलकुलस जीडब्ल्यू लेबनीज को बोला गया, और एक दो वैज्ञानिक नहीं है जो कैलकुलस का खोज कर दिया, हजारों वैज्ञानिक है कैलकुलस में योगदान देने के लिए। हम लोग ब्रांच ऑफ कैलकुलस में पढ़ना है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, चौथा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम, इसको लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो बहुत दबंग है, आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, इससे बहुत दबंग चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम थर्ड चैप्टर चालू करेंगे। इसीलिए थर्ड चैप्टर को सिलेक्ट किया गया क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो है ना आसान ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही चैप्टर है। इसमें 11th का लिमिट चैप्टर यूज होता है, लिमिट 11th का लिमिट चैप्टर यूज होता है। तो बहुत ऐसा बच्चा है जो मान लीजिए मेरे पास 12th में पढ़ने आता है, उसको लिमिट नहीं आता, बोलते सर लिमिट पढ़ाए, ठीक है 12th पढ़ाए नहीं, पढ़ा देंगे कुछ, तो लिमिट नॉलेज रहेगा तो ही हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का समझ डील कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन में यूज होगा, जो 11th का चैप्टर जो लिमिट है यूज होगा ही होगा, सब चैप्टर में यूज होगा, लिमिट आएगा तो कंटिन्यूटी आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएशन में भी यूज होता है, लेकिन थोड़ा यूज होता है तो आप आसानी समझ जाइएगा, लेकिन इसमें ज्यादा यूज होता है कंटिन्यूटी में। तो थर्ड चैप्टर चालू करेंगे ताकि जो भी मेरा वीडियो देखिएगा, और डिफरेंशिएशन है भी बहुत ज्यादा बड़ा, और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सबसे पूछता है, नहीं कभी पूछा, नहीं पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर को ही चालू कर दें ताकि सभी को फायदा मिले। ठीक है, फिर जब क्लास खुलेगा तो हम लोग लिमिट जो है पढ़ा देंगे, जो 11th मान लीजिए नहीं पढ़े हैं, तो इसीलिए डिफरेंशिएशन चालू करने का मकसद है कि सभी को समझ में आना चाहिए और सब फायदा सबको मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप कैलकुलस पढ़ने से पहले आप ट्रिग्नोमेट्री हो 11th में पढ़ाए थे, लॉगरिथम फंक्शन सब पढ़ाया गया था, और सब आप रिविजन कर लीजिएगा, और लिमिट को भी रिविजन कर लीजिएगा, फिलहाल लिमिट जितना ही होगा हम बता देंगे आपको साइड से। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर को चालू किया जा रहा है, बोर्ड जो है।